हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूंगी, जिसके अंदर हेयर्स को भी कवर करेंगे हम, स्किन को भी कवर करेंगे और जो है ना पूरी बॉडी को ही कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम इस तरह अपनी केयर स्टार्ट करते हैं कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, क्योंकि मेरे पास जो है ना, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई होती हूँ ना कोई काम करने के लिए, मतलब जैसे सेल्फ केयर करने के लिए मैं मोटिवेट तो हुई हूँ, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने करनी है। सो सबसे पहले जो है ना मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँगी। तो ये जो है ना ग्रोप का कोई हेयर ऑयल था जो कैमत कहीं से लाया था वो, और यहाँ पे जो है ना सरसों का तेल है, ये दोनों ही लगा लगा के ख़त्म किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम हेयर ऑयलिंग कर लेंगे, और ये मैंने जो है ना अपनी ये चिली सॉस वाली जो है ना बॉटल में डाला हुआ, ताकि इसमें से ना निकलता कम कम है और ज़्यादा वेस्ट होने के या गिरने के चांसेस नहीं होते। तो सबसे पहले ऑयलिंग से भी पहले जो है ना बड़े ब्रश से जो है ना मैं कंघा कर लूँगी, ब्रश कर लूँगी, उसके बाद जो है ना मैं कॉम करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, और साथ साथ जो है ना यहाँ पर मैं पानी पीऊँगी। पहले मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद जो है ना इसी पानी में जो है ना थोड़ा पानी में कम कर रही, क्योंकि इसमें जो है ना पानी ज़्यादा हो गया था, तो इसके अंदर जो है ना मैं कैल्शियम जो है ना वो ऐड करके ना वो रख दूंगी इतनी देर में, वो भी मतलब जो है ना वो डिजोल्व हो जाएगा, और साथ साथ जो है ना मैं पीती रहूँगी। तो जी सबसे पहले जो है ना मैं अपने फेस वॉश जो है ना मैंने किया हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना अब बस मैं जो हूँ ना, मैं नीचे से किचन से काम करके आई थी, इस टाइम मैं खाना वगैरह बना के आई थी, रोटी बना के आई थी, मतलब काफ़ी काम जो है ना मैं करके आई थी तो किचन से ना। तो अब जो है ना मैं सिर्फ वाइप्स करूँगी, वाइप से जो है ना अपना फेस को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फेस ऑलरेडी वॉश था, तो वाइप से जो है ना वो क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है ना हम सबसे पहले जो है ना पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्लिनजिंग, तो क्लिनजिंग से ही जो है ना हम अपना फेस क्लिंस करना स्टार्ट करेंगे। और वीक में जो है ना मेरी कोशिश होती है मैं अपने फेस पे जो है ब्लीच या स्किन पॉलिश वगैरह जो है ना कम से कम ही अप्लाई करूं, तो जब मुझे कहीं अर्जेंट जाना हो तो मुझे होता है फिर मैं अप्लाई करती हूं, वरना जो है ना मैं नहीं करती। वीकली में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहां पे जो है बस मैं थ्री स्टेप्स करूंगी, वो है मसाज क्रीम, क्लिनजिंग मतलब क्लिनजिंग करूँगी, और स्क्रबिंग करूँगी, क्योंकि स्क्रबिंग भी मैं शायद स्किप कर देती लेकिन मेरे फेस पर वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो है ना मैं लास्ट में करती हूँ, स्क्रबिंग करूँगी, और उसके बाद जो है ना एट दी एंड हम लगा लेंगे अपने फेस पर मास्क। जी तो क्लिनजिंग जो है ना मैंने 5 मिनट कर ली थी, और उसके बाद जो है ना अभी तो मैंने कैमरा ऑफ भी कर दिया था बीन वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो है ना फिर मैं जो हूँ ना यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा लेती हूँ, ताकि जो है ना मेरा टाइम पास हो जाए अच्छे से, और जो है ना इस तरह इंसान थकता भी नहीं है, और फिर जो है ना मतलब जल्दी हो जाता है मुझे लगता है इस तरह ना काम और बगैर थके। तो सबसे पहले जो है ना मैंने क्लिनजिंग किया, ये थोड़ी बहुत जो है ना वो डर्ट जो निकली है वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है ना हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे मास्क। अच्छा, पहले जो है ना जब मैं स्टार्ट करने लगी थी, जब मैंने सोचा कि मतलब ना मैं कौन सा फेशियल जो है ना यूज़ करूँ, मतलब कौन से कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, सो आई डिसाइडेड कि ना डर्माशाइन की यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ना मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो आई थॉट इसी का रिव्यू जो है ना मैं मतलब पूरा रिव्यू तो मैंने शेयर किया हुआ, लेकिन जो मैं वीकली करती हूँ मुझे वही शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। सो मैं जो हूँ ना वो डर्माशाइन के साथ ही गई। तो यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से जो है ना अपनी स्क्रबिंग कर लूँगी, और फिर जो है ना एट द एंड हम मास्क अप्लाई करेंगे। बस स्किन केयर बस हम इतनी सी ही करेंगे, वीक में एक दफ़ा इतनी सी भी स्किन केयर हो जाए ना तो फिर आपको वो ज़्यादा हार्श केमिकल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो जो मतलब आजकल तो पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट आए हैं, बोटॉक्स वगैरह ये सब कुछ। तो खैर मतलब अगर आप लोग की एक्नी है ना तो आप क्लिनजिंग स्टार्ट कर दें, मतलब डेली बेसिस पर करें, या एक दिन छोड़ के एक दिन तो लास्ट में करें, फेस वॉश से पहले जो है वो क्लिनजिंग कर लें, तो उससे जो है ना आपकी एक्नी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
अब जो है हम अपने फेस पे मास्क अप्लाई करेंगे और इसको जो है ना वो ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। दैट्स इट फॉर द स्किन केयर, बस इतनी सी स्किन केयर। इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। 5 मिनट आप क्लिनजिंग को दें, 5 मिनट ही जो है ना वो आप दें स्क्रब को दें, 10 मिनट और 15 मिनट भी आप मास्क अप्लाई करके छोड़ें तो मतलब 25 मिनट और आधा घंटा तो मतलब काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो आपकी ना स्किन केयर के लिए तो इतना तो आप लोग अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए शूट करी क्योंकि जो है ना मतलब कभी कभी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो है ना मैं किसी की इस तरह वीडियो देखती हूँ ना तो मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। सो आई थॉट मुझे भी इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, शायद कोई जो है ना मेरी वीडियो देख के भी मोटिवेट हो जाए जो कुछ नहीं करता अपने साथ, मतलब इस तरह स्किन केयर वगैरह या अपनी सेल्फ केयर खुद को टाइम नहीं देता, तो वो शायद खुद को टाइम देना स्टार्ट कर दे। जी तो यहाँ पे जो है ना हमारी स्किन जो है ना वो क्लीन हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट स्टेप मेरा जो था वो है मैं जो हूँ ना अपने फेस के हेयर्स जो है ना वो रिमूव कर लूँगी, शेव ही करती हूँ मैं, बीन वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि रेज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि जो है मतलब वैक्स वगैरह कौन इतना गर्म करे सब कुछ करे। सो वही मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ना बहुत ईजीली हो जाता है, कहीं जाना भी हो तो मैं जो हूँ ना वो जल्दी जल्दी से कर लिया और इंसान चला जाता है। जी तो यहाँ पे स्किन केयर होने के बाद जो है ना शावर वगैरह ले लें, उसके बाद जो है ना वहाँ पे आप शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू के बाद डेली बेसिस पे जो है वो कंडीशनर तो इंसान कर ही लेता है, लेकिन कभी कभी जो है ना इस तरह के मास्क भी यूज़ कर लेने चाहिए। और यहाँ पे जो है ना इसकी मतलब क्वान्टिटी आपको बता दें कितना ज़्यादा जो है ना मतलब ये यूज़ कर चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है। और इसको जो है ना इसके बैक पे ही जो है ना इसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है और कितनी देर के लिए अप्लाई करना है। तो जिसके पीछे लिखा हुआ है कि आपने इसको जो है ना 50% जब आपके बाल जो है वो ड्राई हो जाए उसके पर जो है ना आपने इसको अप्लाई करना है और 2 मिनट्स के लिए अपनी फिंगर से इसको मसाज करना और अब्जॉर्ब करना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद वॉश करने के बाद आपने अपने हेयर्स में जो है ना वो सीरम लाजमी लगाना है। और ये लिवॉन का सीरम मैं कहती हूँ दी बेस्ट सीरम है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो ये जो है ना कॉम्बो बहुत अच्छा है। तो आप लोग लास्ट में ही ट्राई करके देखिएगा इस कॉम्बो को। उसके बाद यहाँ पे हेयर केयर डन हो जाती है। उसके बाद जो है ना आप आ जाएं अपनी मतलब ख़ुद को जो है ना मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मतलब आप टोनर अप्लाई करें, उसके बाद स्किन केयर में अपनी सनब्लॉक लाजमी ऐड करें, क्योंकि जो है ना मतलब एज अ हाउस वाइफ मैं खुद कभी कभी भूल जाती हूँ और हमने चूल्हे के आगे जाना होता है, सब कुछ जाना होता है, स्टूडेंट्स ने बाहर जाना होता है, धूप में जाना होता है, इसलिए सनब्लॉक लाजमी ऐड करें। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा टेंट लगा लें। उसके बाद जो है ना ये आपकी फेस केयर हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना थोड़ा सा खुद के मतलब खुद के पास से खुशबू आए ना तो एक इंसान अलग ही कॉन्फिडेंट होता है और एक अलग ही जो है ना उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब मुझ में तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैं परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे इतने ज़्यादा इतर जो है ना ये यहाँ पे सारे इतर हैं, ये टेस्टेड हैं ऑल द, लेकिन ना अहमद के पास एक ह्यूज कलेक्शन है इतर्स की, ठीक है। उसके बाद मतलब सब मिलके यूज़ करते हैं, खाली अहमद के लिए, मतलब सबके ही हैं, चाचा अहमद सब हम सब यूज़ करते हैं वो। और यहाँ पे जो है ना मैंने इस तरह की ट्रे में जो है ना ये जो मेरे पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ना ये गोल्डन में है होगो बॉस, वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट जो है ना बाकी सब कभी कभी होता है कि डिफरेंट खुशबू है मेरे पास, तो फिर जो है ना मैं इन सब से कुछ लगा लेती हूँ। सो आप लोग भी ये सब कुछ लाजमी ट्राई कीजिएगा और परफ्यूम वगैरह भी लाजमी लगाया करें, इससे जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और अपने पास से खुशबू आती रहे तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।